हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज ये वाला पैटर्न लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, इसे आप लेडीज कार्डिगन पे, जैकेट पे, गर्ल्स के टॉप पे, लॉन्ग कार्डिगन पे, किसी पर भी बना सकते हैं। तो उल्टी तरफ से ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमें 12-12 के मल्टीपल में डबल क्रोशिया कर लेने हैं और प्लस 7 कर लेने हैं, तो हमारा डिजाइन एकदम सेट हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप देखते रहे नए से नए डिज़ाइन। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन हमने राइट साइड से शुरू करना है, तो इसके लिए एक रो हम सिंगल क्रोशिया से बना लेंगे। देखिए, एक रो हमने सिंगल क्रोशिया से बना ली, तो यहीं से हमने डिज़ाइन स्टार्ट करना है। दो चेन कर लेंगे और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1, 2, 3। और फ्रेंड्स, यहाँ से हमने 2 स्टिच छोड़ने हैं और तीसरे में आ जाना है, 1, 2, 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। यहाँ 2 स्टिच छोड़ के तीसरे में आ जाना है और 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 2, 3। अब यहाँ पे फ्रेंड्स 2 चेन बनाएंगे, 1, 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, तीसरे में आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। हमने 5 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, तो इस धागे को यहाँ छोड़ना है। यहाँ पर क्रोशिया हुक को डालेंगे और ये वाला धागा यहाँ से ऐसे क्रॉस कर लेंगे और यहाँ इसको लॉक करेंगे और 2 चेन बना लेंगे। 2 स्टिच छोड़ेंगे, तीसरे में आ जाएंगे, 1, 2, 3 स्टिच लगाएंगे। अब 2 स्टिच छोड़ेंगे तो यहाँ आके 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब 2 स्टिच छोड़ेंगे तो यहाँ लास्ट में हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 1, 2, 3। नेक्स्ट रो पे आ गए हैं, 2 चेन कर लेंगे और देखिए यहाँ पहले वाले स्टिच में हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 1, 2, 3। अब हम यहाँ आ जाएंगे, ये 2 स्टिच हैं, इनके सेंटर में 1, 2 स्टिच यहाँ बना लेंगे। अब देखिए ये वाले जो 3 स्टिच हैं, 1, 2 छोड़ेंगे, ये लास्ट वाले में आ जाएंगे, यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया कर लेने हैं, 1, 2, 3। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 चेन बनानी है, तो यहाँ देखना है ये जो हमने यहाँ पे टक किया है इस जगह पे, इसको ऐसे
से ढक करना है जहां हमने ये 5 स्टिच को इकट्ठा बनाया था, 2 चेन। और फिर देखिए यहाँ पहले स्टिच में हमने 3 स्टिच बना लेने हैं, और यहाँ हमने 2 स्टिच बनाने हैं। फिर लास्ट में आ जाएंगे, ये दोनों स्टिच छोड़ेंगे लास्ट वाले स्टिच के ऊपर, 3 स्टिच, 1, 2, 3, 3 स्टिच बना लेंगे। नेक्स्ट रो पे आ गए हैं, देखिए 1, 2 और यहाँ पर 3 स्टिच, 1, 2, 3, 3 स्टिच बना लेंगे। और अब हम यहाँ आ जाएंगे, 1, 2। अब देखिए ये 2 स्टिच छोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, 1, 2, 3। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ये देखिए जहाँ हमने टक किया था ये 1 स्टिच, इसके ऊपर 5 स्टिच बनाने हैं। ये 2 चेन बना लेंगे पहले। अब यहाँ पर हमने 5 स्टिच बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 स्टिच बनाने हैं। ये पहले स्टिच में हमने डबल क्रोशिया क्रोशिया को अंदर करना है और यहाँ से इस तरह से खींच लेना है। अब देखिए 1, 2 चेन बना ली तो यहाँ आ जाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 1, 2। अब यहाँ लास्ट में आ जाएंगे, 1, 2, 3 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट रो पे आ गए हैं, 1, 2 और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ आ जाएंगे 2 डबल क्रोशिया। अब देखिए 1, 2 ये छोड़ के यहाँ पर आ जाना है, 1, 2, 3। अब यहाँ 2 चेन बनाएंगे और ये यहाँ पे हमने ऐसे टक कर लेना है इसको, फिर से 2 चेन और यहाँ आ जाएंगे, 1, 2, 3, 1, 2। नेक्स्ट रो पे आ गए हैं, नेक्स्ट फ्रेंड्स इसी तरह से इसको बनाते जाना है हमने आगे। अब आप बना के देखिए और फीडबैक मुझे जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।